नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आपस में एकजुट भाकर क्रिकेट के साथ जे भेले विगत 6 साल से ले रहल छे, अहां सबके सहयोग के आवश्यकता एहि दुआरे पड़ रहल छे जे एक आदमी कतो रोडे पर रुकि के चिल्लाबे छिए ना कल पागल हो गए इसको जेल में डालो। अब वह जे 5-10 हजार के संख्या में वह चीज कहबे सेम बात तो सरकार सिस्टम सब जागते ई परेशानी होते की कहे छे 5 लाख पीड़ित छे 27 अरब रुपया जमा छे आ पहुंचलो एजेंटे से पहुंचे छे जमा करता का मोबाइल गलगम काय जाए ओता पहुंचे छे हम सब 2-3 हजार पहुंचे ओते कहलो जे आपको डिमांड रखते 27 अरब का आ 5 लाख आदमी जमा करता फंसा हुआ आदमी पहुंचता है 2000-1000 तो आप तो या तो झूठे हैं। आ जबकि हम तो सही छे हसल तो 5 लाख जब एक दू गांव पूरा पंचायत में आधे आदमी हमरा लागे छे जे पहुंचल हेते लोग सब तो कते जमा करता के लूट के गेले यहाँ से अनुभव कह सके जब उस चीज के कहे छे ना ओठा ने सरकार माने छे ने सिस्टम माने छे अहाँ सबके हम ये आशा नहीं रखे छे जे अहाँ पूछना चलू कई बार कहे एक दिन एक रुपया जमा के लिए ओकरा लड़े ले फिर भूखल प्यासल क्या दिन रहबे पटना जाए आबे में 3 दिन के तो राशन पानी चाहिए कितने पर स्विच जले चेंज होते लेकिन पेट मानते 3 दिन तक ना पूरा देश हिल जते बुझो पता वेल जाम भेने से की हो रिएक्शन लेकिन अकेले 2-4 आदमी जेबे ना तो जे अहाँ सब लड़ाई ओकरो डाल देते जेल लेकिन 10 हजार आदमी के जेल में डालना सरकार तक हिल जते देश विदेश हिल जते जो खुद के पैसा जमा करता मांगे ले जेल में 10 हजार का डाल बात खत्म हमार कहना है एक दिन ऐसा पहना तो नहीं लोग कहेगा ऐसा पहना कहे तो नहीं चलो कतो एक दिन हम सब 27 के भेल पर धरना कर किया दे के नौबत ले धरना ऐसे पहने की हम तक के लिए 2 मिनट अहाँ सके आर हम टाइम ले आज जे हम सब एते आबे से पहने हम सब 7 बजे से लागल छे भूखल प्यासल अहाँ सबसे बेसी आक्रोशित हम छे हम डिफेंस मतलब फौज के नौकरी छोड़ के लिए फौज मतलब विश्वास के एक पात्र हो छे जे झूठ नहीं बाजे हम कोनो एजेंट नहीं छे आय के डेट में हम 30-35 लाख सरकार से रिटायरमेंट ला के लिए हम आराम से खा पी के घर में सुतल रह सके छी आराम से 30-35 लाख सर हम सरकार से ला के लिए सुतल रह सके छी हम जमा करता छी हमरा अहूँ सबके दबाव नहीं छे तकर बावजूदो लड़े छे मजबूरी देख के जे हमर गरीब जनता के लूट के ला के गेले तो हमर 30 दिन समय आर जाए सोशल वर्क में समाज के सेवा में ई पैसा हम ला के आबी एहि दुआरे देखियो आज हम सब होते लेलिए फैसला आज दिनांक 9/6/2019 को प्रयाग जमाकर्ता संघीय बैठक स्टेडियम परिसर सहरसा में हुई जिसमें 27/6/2019 को रेल चक्का जाम संबंधित निर्णय लिया गया जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता के द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्ति का तोड़फोड़ ना हो हमारा मकसद ही नहीं है रेल में आग लगा देना है ककरो दुकान लूट लेना है ये हमार मकसद नहीं है हमार मकसद है सरकार का सही मैसेज सुनियो ने कंठा जमाकर्ता के जमा धन की वापसी के लिए रेल पटरी पर मिटने के हम लोग तैयार रहेंगे आप लोग नहीं रहिएगा आप लोग पर एक डंडा गिरने नहीं देंगे यही बरसात मुखिया जी को भी बोलिएगा जाके देखने के यही बरसात मेरा वहाँ भी रहेगा
एक डंडा भी अगर किसी को मारेगा तो 5 डंडा हम ये मेरा 27/6/2019 को बिना कोई देरी किए सहरसा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के 10वीं भाग में सुबह 8:30 बजे पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाए। सरकार एवं सरकारी सिस्टम जे वजह से अपना सबके पैसा दे में देरी करे छे को जगाने की यही एक विकल्प बचा। ऐसे पहले सब सिस्टम है मुखिया जी लग गए से सब चीज क्या कथाई के लिए नहीं मान रहल छे सरकार नहीं मान रहल छे त या रेल रेल पटरी रुकते पूरा सरकार भारत के सिस्टम हिल जमा करता के जमा धन की वापसी के लिए सबटा जमा करता के बात रहल छे अहीं सबके लिए ले रहल छी क्योंकि हमहू जमा करता ई सब अहाँ के पक्ष में रह न रहे हम हरदम मिलब अहाँ पास क्या कि हम सेना में कार्यरत रही पिछले साल 18 अगस्त के हम रिटायर क्या के 1 अगस्त के तो हम तो एजेंट खजेंट नहीं दिए जो नौकरी करे वाला सर से एजेंट भै सके हम अहीं सबके आंदोलन लड़े केओ पीछा भाग जते लेकिन हम अहाँ के साथ आखिरी दम तक जमाकर्ता के जमा धन वापसी के लिए जिला स्तर से राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक कई बार लेटर के माध्यम से और खुद जाकर सूचना। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।